हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जमशेद स्टाइल ब्लॉग। सो गाइज, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सिंपली एनर्जी वन स्कूटर के बारे में, जो कि एक इलेक्ट्रिक स्कूटर रहने वाला है। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये जो स्कूटर इंडियन ट्यूना मार्केट में आपको कब तक देखने को मिलने वाला है, लाइक इसकी क्या लॉन्चिंग डेट रहने वाली है और क्या क्या न्यू फीचर्स आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर में, लाइक सिंपली एनर्जी वन स्कूटर में आपको क्या न्यू फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं और इस स्कूटर के क्या एक्सपेक्टेड प्राइस रहने वाले हैं, क्या ऑन रोड प्राइस रहने वाले हैं। तो गाइज, मैं प्रॉपर तरीके से बताने वाला हूँ, वीडियो जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है, तो वीडियो को पूरी देखना है, वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी नहीं देखना है, जिससे कि आपको इस स्कूटर के बारे में प्रॉपर तरीके से जानकारी मिल सके। तो गाइस, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं इस स्कूटर के इलेक्ट्रिकल फीचर्स के बारे में, लाइक बैटरी के बारे में, कि बैटरी जो है आपको इस स्कूटर के अंदर क्या मिलने वाली है। तो बैटरी जो आपको मिलने वाली है वो लिथियम आयन की मिलने वाली है। वहीं अगर मैं बात करूं इस स्कूटर के चार्जिंग के बारे में, कि एक बार चार्ज करने पर ये स्कूटर हमें जो है कितनी रेंज प्रोड्यूस करेगा, तो रेंज जो आपको देने वाला है ये स्कूटर वो 236 किलोमीटर की देने वाला है, लाइक 236 किलोमीटर एक बार चार्ज होने पर ये स्कूटर चलेगा। वहीं अगर मैं बात करूं इस स्कूटर की चार्जिंग टाइम के बारे में, कि ये स्कूटर जो है कितने समय में चार्ज हो जाएगा, तो चार्जिंग जो टाइम है इस स्कूटर की वो 1 आवर 5 मिनट से, यानी कि 1 घंटा 5 मिनट में ये स्कूटर फुल चार्ज हो जाएगा। इस स्कूटर की जो बैटरी है फुल चार्ज हो जाएगी और 236 किलोमीटर की रेंज हमें ये स्कूटर प्रोड्यूस करेगा। वहीं अगर मैं बात करूं इस स्कूटर के टेल लाइट्स के बारे में, तो जी हां फ्रेंड्स, टेल लाइट्स जो इस स्कूटर के अंदर आपको एलईडी देखने को मिलने वाली है, टर्न सिग्नल लैंप जो मिलने वाला है वो भी एलईडी देखने को मिलने वाला है, और जी हां फ्रेंड्स, फास्ट चार्जिंग आपको इस स्कूटर के अंदर देखने को मिलने वाली है, चार्जिंग एट होम, अपने घर पर इस स्कूटर को आप चार्ज कर सकते हो। वहीं अगर मैं बात करूं इस स्कूटर के बैटरी कैपेसिटी के बारे में, तो बैटरी कैपेसिटी जो है वो 4.8 किलोवाट की बैटरी कैपेसिटी देखने को मिलने वाली है। अब फ्रेंड्स, मैं बात कर लेता हूं इस स्कूटर के टायर्स एंड व्हील के बारे में, तो टायर्स जो आपको मिलने वाले हैं वो ट्यूबलेस मिलने वाले हैं और व्हील्स जो आपको मिलने वाले हैं वो अलॉय व्हील्स देखने को मिलने वाले हैं। तो गाइस, स्कूटर जो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहने वाला है। अब फ्रेंड्स, मैं बात कर लेता हूँ इस स्कूटर के टॉप स्पीड के बारे में, कि टॉप स्पीड जो है क्या रहने वाली है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, टॉप स्पीड जो इस स्कूटर की रहने वाली है 105 किलोमीटर पर आवर अप्रॉक्सीमेट देखने को मिलने वाली है, लाइक 105 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड ये स्कूटर निकालने वाला था, टॉप स्पीड जो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट। अब फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं इस स्कूटर के ब्रेक्स के बारे में, कि ब्रेक्स जो है आपको क्या मिलने वाले हैं। तो ब्रेकिंग सिस्टम जो आपको मिलने वाले हैं, अगर मैं फ्रंट ब्रेक्स की बात करूँ, तो फ्रंट ब्रेक जो आपको इस स्कूटर में डिस्क ब्रेक ही देखने को मिलने वाले हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ रियर ब्रेक के बारे में, तो रियर ब्रेक भी आपको डिस्क ब्रेक ही देखने को मिलने वाले हैं। ब्रेकिंग टाइप जो आपको मिलने वाला है वो कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम टाइप देखने को मिलने वाला है। वहीं अगर मैं बात करूं ट्रांसमिशन के बारे में, तो लाइक ट्रांसमिशन जो है आपको इसमें ऑटोमेटिक ही देखने को मिलने वाला है। अब फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं इसके कुछ अदर फीचर्स के बारे में, लाइक बॉडी टाइप के बारे में, तो बॉडी टाइप के बारे में तो आपको पता होगा, जो कि इलेक्ट्रिक स्कूटर से रहने वाला है, और इंटरनेट कनेक्टिविटी भी आपको इस स्कूटर के अंदर देखने को मिलने वाली है। वहीं अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग के बारे में, तो स्टार्टिंग जो है रिमोट स्टार्ट पुश बटन्स आपको देखने को मिलने वाला है। लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं, तो एंड्रॉयड ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इस स्कूटर के अंदर देखने को मिलने वाला है। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं सीट टाइप के बारे में, तो सीट टाइप जो सिंगल ही रहने वाली है। वहीं अगर मैं बात करूं डिस्प्ले के बारे में, लाइक कंसोल मीटर के डिस्प्ले के बारे में अगर मैं बात करूं, तो आपको 7 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। वहीं अगर मैं बात करूं मोबाइल एप्लीकेशंस के बारे में, तो मोबाइल एप्लीकेशंस आपको इस स्कूटर के अंदर देखने को मिलने वाला है, जिससे कि आप अपने फ़ोन से, एंड्रॉयड फ़ोन से, लाइक ब्लूटूथ कनेक्टिविटी कर सकते हो। और फ्रेंड्स, बात करूँ मैं स्पीडोमीटर के बारे में, तो स्पीडोमीटर जो है डिजिटल ही देखने को मिलने वाला है, लाइक चार्जिंग पॉइंट आपको इसके अंदर मिलने वाला है, ट्रिप मीटर जो है वो भी आपको डिजिटल ही देखने को मिलने वाला है। सो गाइज, अब बात कर लेते हैं इस स्कूटर के फाइनली लॉन्चिंग डेट के बारे में और एक्सपेक्टेड प्राइस के बारे में। तो एक्सपेक्टेड प्राइस के बारे में अगर मैं बात करूँ, इस स्कूटर के जो एक्सपेक्टेड प्राइस रहने वाले हैं वो 1,09,000 रुपीज़ रहने वाले हैं, लाइक 1,09,000 रुपये रहने वाले हैं। तो गाइज, अब मैं बात करूँ ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो ऑन रोड प्राइस के बारे में तो आपको पता होगा कि हर जगह के अलग होते हैं, लाइक थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं, बट ज़्यादा नहीं होते हैं। अब फाइनली बात आती है लॉन्चिंग डेट के बारे में, कि ये स्कूटर इंडियन ट्यूना मार्केट में आपको कब तक देखने को मिलने वाला। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आपको 2022 के अंदर ये स्कूटर देखने को मिलने वाला है। और अगर मैं बात करूं फाइनल लॉन्चिंग डेट के बारे में, तो ये स्कूटर आपको इसी महीने में देखने को मिलने वाला है, लाइक सितंबर के मंथ में ये स्कूटर आपको इंडियन ट्यूना मार्केट में देखने को मिलने वाला। तो जितने भी फैंस इस स्कूटर का आने का वेट कर रहे थे, तो इस स्कूटर का जो वेट है ओवर हो चुका है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और जितनी भी जानकारी इस स्कूटर से आपको लेकर के चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो चलिए गाइस, मिलते हैं ऐसे ही एक और अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और थोड़ा सा हमारा भी।